हैप्पीएस्ट माइंड इंडिया के अंदर टॉप आईटी कंपनीज के अंदर वैल्यूएबल आईटी कंपनी के हिसाब से जाना जाता है हैप्पीएस्ट माइंड्स को। और आईपीओ के बाद से शेयर ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। 350 में ये लिस्ट होने के बाद या 1500 रुपए के हाई मारने के बाद करीब करीब अभी 1000 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। और वर्ल्ड मार्केट के अंदर जिस तरह से आईटी का डिमांड बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर स्पेशली बात करें जिस तरह से आईटी का डिमांड बढ़ रहा है, उस तरह से लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 5 ऐसा कारण जिसके चलते आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 कारण जिसके बेसिस से आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहला कारण जो दिखाई दे रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर वो है कंपनी का बिजनेस, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अगर CAGR की दौर से देखें तो 18% CAGR के थ्रू ये कंपनी आगे बढ़ रहा है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ को क्वार्टर वाइज भी देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर व कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट कंपनी नहीं है। उसी के साथ साथ कंपनी का EBITDA मार्जिन देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। रिसेंटली आपने देखे होंगे कि ITS शेयर के अंदर थोड़ा सा मार्जिन को लेकर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जिस तरह से EBITDA के अंदर ग्रोथ दिखाया है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 18 से आप कंपेयर करते हैं 2021 तक, तो 205% का CAGR ग्रोथ EBITDA के अंदर दिखाया है। इवन क्वार्टर रिजल्ट भी आप देखेंगे तो हर क्वार्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ दिखाया है EBITDA मार्जिन के अंदर। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ सालों का कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि 2012 में कंपनी जहाँ पे शुरुआत किया है उससे कुछ साल पहले, तो वहाँ से कंपनी 8 करोड़ का सेल जहाँ पे करता था वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है करीब करीब 955 करोड़ 2022 तक ये हो जाएगा, ऐसा आशा करा जा रहा है। पहले कंपनी यहाँ पे नेगेटिव नेट प्रॉफिट जनरेट करता था क्योंकि कंपनी का मार्जिन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का मार्जिन यहाँ पे सुधर रहा है, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी सुधार आपको दिखाई देगा। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कंपनी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी बिजनेस रन करने के लिए कंपनी के पास कंपनी का कस्टमर होना चाहिए, और जब बात आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का, वहाँ पे कस्टमर बेस देख के आपको कंपनी पसंद आने वाला है। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जिस तरह से कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो कस्टमर बेस है उसको ग्रो कर रहा है। 2020 की बात करें जहाँ पे कंपनी के पास 157 क्लाइंट्स हुआ करता था, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 क्वार्टर 3 के हिसाब से कंपनी के पास 195 क्लाइंट यहाँ पे मौजूद है। तो क्लाइंट के बेसिस से आप देखते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। हालांकि ये छोटा कंपनी है इसीलिए कंपनी के पास जो कस्टमर है वो कम है, लेकिन ये ग्रोथ के मामले में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के पास $1 बिलियन कस्टमर की बात करें कॉर्पोरेशन वाइज, तो यहाँ पे 53 आपको दिखाई देगा। तो इसी कस्टमर बेस के थ्रू पता चलता है कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो अच्छी तरह से हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी के ऊपर तीसरी बातें जो थोड़ा सा रिसेंट न्यूज़ है वो आपको देख लेना चाहिए। मार्च में ही कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड कर रहा है, वो भी किसके साथ, आउट सिस्टम्स के साथ, जो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन में मदद करेगा। इससे क्या हो जाएगा, क्लाउड जो रन होता है वो बहुत ही इजी हो जाएगा और लो कोड एप्लीकेशन प्रोवाइड करने में मदद करेगा। आसान भाषा में बोले तो जो भी ऑनलाइन इसका काम होता है वो बहुत ही इजी कर देगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है तो ये जो आर्टिकल है इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, तो आपको और भी डिटेल्स में पता चलेगा कि ये जो पार्टनरशिप हुआ है कंपनी का वो किस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड को लॉन्ग टर्म के हिसाब से मदद करेगा और इससे कंपनी को नया नया कस्टमर एक्वायर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अभी बात करते हैं जो चौथा पॉइंट जिसके कारण आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ज़रूर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर कभी भी कोई भी कंपनी लेने से पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, वो है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी कौन चला रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मौजूद है,
और कंपनी के जो मेन लीडर है यहाँ पे वो है मिस्टर अशोक सूटा जी, जो कंपनी को यहाँ पे चालू किया है और बहुत ही तेजी से कंपनी का यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इससे पहले मिस्टर अशोक सूटा जी ने माइंडट्री के साथ भी जुड़े हुए थे और कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो किया है, इसी के कारण ये पर्टिकुलर शेयर को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एक मेन कारण है मिस्टर अशोक सूटा जी। इवन रिसेंटली मिस्टर अशोक सूटा जी के नाम 100 ग्रेट जो पीपल मैनेजर 2021 के अंदर इसका नाम आया है, जहाँ पे 10,273 चूज किया गया था और 4,189 यहाँ में पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर से टॉप 100 के अंदर मिस्टर अशोक सूटा जी का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर कितना स्ट्रांगनेस आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो पीपल यहाँ पे ग्रेट पीपल चुना जाता है उसके अंदर देखा जाता है कि कंपनी का अंदर जो मैनेजमेंट का स्किल है वो कैसे वो निभा रहे हैं, साथ ही साथ जो पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कंपनी के अंदर कैसा है वो भी दिखाई जाता है। तो बहुत कुछ प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये जो अचीवमेंट है ये दिया जाता है। तो वो बेसिस से बात करें तो अशोक सूटा जी यहाँ पे ग्रेट लीडर हिसाब से चुना गया है। अगर फ्यूचर में अशोक सूटा जी यहाँ पे छोड़ के चला जाता है लेकिन उसके बाद जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लेके बहुत ही पॉजिटिव आप मान सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। इसके बाद यहाँ पे लास्ट कारण और पांचवा कारण जिसके चलते आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश कर सकते हैं वो है कंपनी का फ्यूचर एक्सपेक्ट। कंपनी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है अपने बिजनेस को लेके, और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है जिस तरह से कंपनी पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है वो आगे भी करता रहेगा। हालांकि मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कंपनी को लाना पड़ेगा, ये भी मैनेजमेंट के द्वारा क्लियर किया गया है। कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एज वेल एज कंपनी का कुछ जो साल वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने का यहाँ पे आशा यहाँ पे जताया है। साथ ही साथ कंपनी के अंदर किस तरह से ग्रो हो रहा है वो आपको देखना है, तो कंपनी का हेड काउंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कंपनी के अंदर अगर स्टाफ इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कंपनी के अंदर काम बहुत अच्छा है, काम का डिमांड है, इसीलिए कंपनी नया नया बंदा हायर करते हैं। और हैप्पीएस्ट मैन की बात करें तो दिसंबर 2021 तक 4021 कंपनी के पास स्टाफ हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 225 एंड ईयरली नाइन मंथ्स की पिछले देखते हैं रिकॉर्ड तो वहाँ पे 793 ऐड किया है। अगर आप बड़े बड़े कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ये परसेंटेज वाइज ये जो नंबर है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आप निवेश करेंगे तो कंपनी का जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको भी डिटेल्स में पढ़िए, तो कंपनी का फ्यूचर गोल के बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नया एंट्री मारेंगे तो वैल्यूएशन को जरूर ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप एनालाइज्ड का माने तो 2022 एक्चुअली माना जाता है एकोमुलेट के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल एनालिस्ट का मानना है कि आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन एक बात को ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो प्रेडिक्शन किया गया है 8% का यहाँ पे ग्रोथ प्रेडिक्शन किया गया है आईटी सेक्टर के अंदर, और ज़्यादातर इंडियन कंपनी नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादातर रेवेन्यू कमाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इंडिया के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका। तो आप एनालाइज कर सुनते हैं तो 2022 आप एकोमुलेट करते रहिए, आगे आने वाले 5 साल अच्छा होने वाला है ऐसा आईटी इंडस्ट्री का मानना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।